तो अचानक कहाँ आ गए हम लोग घूमने के लिए, तो ये मैंने दो व्लॉग में डिवाइड किया है, प्लीज व्लॉग देखना। तो आज मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर, आ रहे हैं पिज्जा पार्टी करने के लिए। उसको पिज्जा खाने का मन है तो बोले चल लेकर चलती हूँ, और आज हस्बैंड ऑफिस गए तो मौके का फायदा उठा के हम लोग चलते। वैसे उनको सब पता रहता, आने के बाद हम सब बता देते, अभी तो वो बिजी रहेंगे तो मैंने कॉल नहीं किया। और हमारे घर के पास ही है, 5 मिनट के उधर ही है, तो हम लोग चल रहे हैं अभी हम दोनों माँ बेटे पिज्ज़ा खाने के लिए। ऑलरेडी मैंने ऑर्डर दे दिया है, सिर्फ वहाँ जाके डाइन इन करना है, बैठ के खाना है। तो चलिए चलते हैं फटाफट। और इतनी गर्मी हो रही है ना, मैंने बाल ऊपर बांध लिए क्योंकि बिल्कुल सहन नहीं होता नीचे बाल। तो चलो चले, चलो ठीक से एक नाड़ी डाल अंदर, इधर बाल बनाती हूँ। कम इधर 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 आएगा मैं। हाँ बना, इधर आ, इधर आके बना मिरर के सामने, खुद से बाल बना रहे। बाबू तेरे नहीं आएगा ना रे सोनो, जरा थाम, अपने को लेट हो रहे थे, ऑर्डर रेडी हो गया पिज्जा का। चल इधर देख, इधर मेरे पास देख, मेरे पास देख। अच्छा ठीक है, मैं अकेले ही जाके पिज्जा खा के आती हूँ, ठीक है? नहीं ना, हाँ तो ठीक से बाल बनाने दे, जा क्रॉक्स डाल। और ये स्कूल वाला टी शर्ट क्यों डाला है? तेरी मर्जी। यहाँ पे देखो, चलो नीचे का चेंज करने दे, आजा। तो कैसे रेडी हो गया है देखो। और इसके जूना स्कूल का टी शर्ट है, वो बहुत मस्त एकदम कॉटन का है गर्मियों में, तो इसके लिए वो टी शर्ट डाला और हम लोग तो अभी हो गए हम लोग रेडी। ऐसा पिज्जा के नाम पे ना ऐसा फटाफट रेडी हो जाता है। और स्कूल वाला ही टी शर्ट डाला, इतने सारे कपड़े हैं मम्मी को देने हैं मुझे, कुर्ती वगैरह, तो उसके लिए वहाँ भी चले जाऊँगी, देख कर आऊँगी और पिज्ज़ा भी खा के लेंगे हम दोनों। तो फटाफट आना है घर पे, थोड़े से बर्तन वगैरह सब कुछ पड़ा है वो आके करूँगी। देखो डोमिनोज से SMS आया, मैसेज आया, चलो। तो देखो आ गए डोमिनोज, मैंने घर से ऑर्डर दे दिया था ताकि वो बन गया, और उसके बाद मुझे मम्मी के पास जाना था वो कपड़े वगैरह देने के लिए। फिर हम लोग 2 घंटा वहाँ पे बैठ के फिर घर पे आ गए, और उसको ना गोल्डन कॉर्न पिज़्ज़ा बहुत पसंद है तो वो लेकर दिया। थोड़ा सा ठंडा था पर फिर मैंने कुछ बोला नहीं क्योंकि आयन खाने वाला था, तो बड़े बड़े 2 पीस उसने उठा लिए कि मम्मा मैं खाऊंगा। और अभी तो थोड़े टाइम में स्कूल भी चालू हो जाएगा, तो फिर बोला ठीक है। उसके बाद तो उसके मैं बिल्कुल भी कुछ भी बाहर का नहीं दूंगी, कभी कभार तो दिया था तो फिर खांसी लग जाती, तो स्कूल की छुट्टियाँ, तभी तो वो बड़े स्कूल में जाने वाला है, तो फिर मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसकी छुट्टियाँ हो, तो अभी जितना हो उतना खा ले, फिर स्कूल हो जाएगा स्टार्ट। और लगे हाथ मैंने भी खा लिया साथ में, तो वो आयन मुझ पर चिढ़ रहा था कि तू मेरा क्यों ले रही है। मैंने बोला भाई एक तो खा रहे थे पीस। और स्ट्रिक्टली हम लोग उसको कोल्ड ड्रिंक्स, स्प्राइट को आज तक हमने उसको टेस्ट नहीं कराया है, और ये बच्चों को देना भी नहीं चाहिए और बहुत ख़राब रहता है। अभी 10 साल का होगा तब तक तो मैं अवॉइड ही करूँगी, बाद में पता नहीं वो खुद पीना चाहता है क्या नहीं, अभी तो वो बिल्कुल नहीं। मेरा बेटा वेजिटेरियन भी है तो एग्स वगैरह भी मैं नहीं देती हूँ, तो उसके अल्टरनेटिव में उसको पनीर देती हूँ खाने, बाकी सब जो ओट्स वगैरह हेल्दी चीज़ें हैं वो, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ तो मेरा बेटा भी प्योर वेजिटेरियन है, आज तक उसने कुछ भी खाया नहीं है। तो अभी हम लोग आगे देखो मम्मी के पास। एवरीवन वेलकम टू मम्मीज़ वर्ल्ड। तो आज हम लोग जहाँ जाने वाले पता नहीं वहाँ पहुँच पाएंगे कि नहीं, कि बीच में यू टर्न लेके दूसरी जगह से आ गए क्योंकि थोड़ा सा लंबा जा रहे हैं, और ऑलरेडी अभी घर पे ही 2 बज गए तो वहाँ जाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है। अभी देखते, आज मैंने मस्त ब्लश लगाया, चिक्स कितने मस्त लग रहे हैं ना, हस्बैंड वहाँ पे पीछे बात करे फ़ोन पे। तो चलो चलते हैं फटाफट। और हो गया, हेलमेट्स ले लिए हमने, और हम लोग कहाँ पे भी लंबा ट्रैवल करते हैं तो हम तीनों के भी हेलमेट्स है, तो हम लोग हेलमेट्स डाल के ही चलते हैं। तो चलो चलते हैं, मैंने मस्त टी शर्ट डाला है और चलो एकदम कम्फर्टेबल है। तो ये प्लान बना है 10 मिनट में, हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो आगे व्लॉग में देखना। तो ये हम लोग जा रहे थे ना ऐसे, तो फिर से हस्बैंड को बोला रिटर्न लो करके गाड़ी, इतनी सुंदर ये क्या बोलते शिप, हाँ वो, तो मैंने फिर से हस्बैंड को बोला गाड़ी रिटर्न लो, और मैंने इतना शूट किया, इतने सुंदर लग रहे थे ना लिटरली बाय गॉड। और देखो क्लाइमेट कितना सुंदर है। एक्चुअली ये थोड़ा सा जूना व्लॉग है, पुराना व्लॉग है, अभी तो मैंने रिसेंट कुछ भी शूट नहीं किया है, सिर्फ एडिट करके डाल रही हूँ ताकि मेरा स्टोरेज भी ख़त्म हो जाए। ये जब स्टार्टिंग में 1-2 बारिश आया था ना, उसके बाद थोड़ा क्लाइमेट ठंडा हो गया था तो हम लोग चले थे। अभी मैं गाड़ी पे शूट कर रही थी तो हस्बैंड थोड़ा सा चिढ़ गए मेरे ऊपर, मुझे बोलते गाड़ी पे तुझे समझ नहीं आता है, मोबाइल रख करके फिर भी मैंने देखो थोड़ा सा मेरी मनमर्जी में चला ही लेती हूँ, तो देखो कैसे देख रहे। अदरवाइज मुझे कभी वो गुस्सा नहीं करते, सिर्फ गाड़ी पे थोड़ा सा मना करते, तो
तो और मतलब उनको देखने को मना करते कि मुझे मत दिखा क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बाकी अदरवाइज मैं पीछे से शूट करती हूँ तो मुझे कुछ नहीं बोलते। तो देखो कितना मस्त है, करजत का रोड है आगे और इतना मस्त जामबूल करवंदा ये सब था ना, इतना मस्त लगा ना। तो आते वक्त रिटर्न आते वक्त मैंने करवंदा लिया, मुझे बहुत पसंद है खट्टा मीठा। तो 20 रुपीज़ का एक ऐसा देते हैं वो लोग वाटा। देखो रोड कितना मस्त है, कितना मस्त है, इतना सुंदर क्लाइमेट ना मैं क्या ही बताऊँ। और एडिट करने को ही मुझे टाइम नहीं, तो बोला चलो अभी क्योंकि दूसरा भी आगे का शूट करना रहता है तो स्टोरेज नहीं तो फिर कुछ नहीं होता, तो बोला एडिट करके डालती हूँ अभी। और तो ये हम लोग आ गए हैं खोपोली, खोपोली में गगनगिरी महाराज का आश्रम टेम्पल टाइप है वहाँ पर आ गए हम लोग, तो पहुँच गए। और इसको मैंने 2 पार्ट में शूट किया है, आगे हमने इतना मस्त खाया पिया एंजॉय करते हुआ है वो नेक्स्ट व्लॉग में। ये सिर्फ मंदिर का और थोड़ा लॉन का एरिया, अदरवाइज व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता तो इसके लिए 2 इसमें डिवाइड किया। पहुंच गए गगनगिरी महाराज आश्रम खोपोली, हमने सोचा नहीं था हम आएंगे पर हम लोग आ गए। और ये स्टार्टिंग का है, उसके बाद पीछे मेन मंदिर है उसमें शंकर भगवान का वगैरह। तो ये देखो यहाँ से ना इतना पानी बहता है ना बारिश में, अभी तो देखो बिल्कुल पानी नहीं है, पूरा पानी सूख चुका है गर्मी की वजह से, तो इतना सही पानी, अदरवाइज वो इतना उफन के बाहर जाता है वो पानी, ये स्टेप्स वगैरह भी नहीं दिखते ये सब। तो ये हल्का सा मैंने क्लिप शूट किया, अदरवाइज नहीं है, अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, जरा सा कैमरा खोल के किया। तब ये लॉन का एरिया है, हम लोग ने अंदर में भी अलाउड नहीं था वीडियो निकालना तो मैंने थोड़ा सा ही क्लिप लिया, ज़्यादा नहीं लिया। अभी हम लोग ये लॉन में आए इसलिए मैंने चालू किया, तो उम्मीद नहीं था पहुँचेंगे पर फाइनली पहुँच गए हम लोग। पर ये लॉन बहुत सुंदर है, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, मतलब मैं छोटी थी बहुत, तो मम्मी हमें 2-3 बार यहाँ पर लेकर आई, तो थोड़ा सा बदल गया है, ज़्यादा नहीं बदला है। और यहाँ पर ये ऐसा घास में हम लोग चल रहे, इतना अच्छा लग रहा है लिटरली। तो हमें पहुँचते हुए 2 घंटा हो गया, तो चलो चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा घूमेंगे। और एक जगह है वहाँ अभी चालू है कि नहीं वो पता नहीं, तो देखेंगे वो चल के भी। मतलब ऐसे ना दिल को सुकून मिला ना यहाँ आकर, अभी हम लोग महीने में एक बार या तो 2 महीने में एक बार तो ज़रूर यहाँ आने वाले, स्पेशली बारिश में। आयन तो इतना भाग रहा था और वो ग्रास में उसको इतनी मज़ा आ रही थी। यहाँ पे हमने आधा घंटा मतलब पूरा एक्सप्लोर किया, उसके बाद हम लोग अंदर गए तो वहाँ पे मंकीज़ वगैरह थे। तो इसका ना एक इतना मतलब बेवकूफ़ लोग है ना, वो आगे मैं शेयर करूँगी क्या मतलब बेवकूफ़ बन करते बताऊँगी, मतलब क्या लोग ना सच में क्या ही बताऊँ, तो वो नेक्स्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया है। तो अभी इतना अच्छा क्लाइमेट है ना, कैसा है क्लाइमेट, मस्त है ना, एकदम सुकून भरा है। मंकी कितने सारे थे ना, बहुत सारे, मंकी को ये नहीं करने का, मंकी इतने सारे थे और 2 घंटा ट्रैवल करके आए, पर एकदम रिलैक्स और एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पे। हस्बैंड तो ऐसे चारों तरफ देख ही रहे, और इतनी गर्दी है ना लिटरली यहाँ पे, हमें लगा कि इतना 4:15 बज गए करके अभी हम लोग लेट पहुँच रहे हैं, पर अभी भी लोग आ ही रहे। 1 रुपीज़ पर 1 रुपीज़ दे के जूते चप्पल है वो रखने रहते हैं वहाँ पर, हमने 3 रुपये दे के रखा। और ऐसे वीडियो लेना मना है पर स्पेशली वो मंदिर के एरिया में मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया, इसी तरह मैंने क्लिप लिया। और बहुत सारे लोग हैं, अभी हम लोग थोड़ा 10-15 मिनट यहाँ पे बैठेंगे और फिर निकलेंगे, और बहुत अच्छा है एनवायरनमेंट। तो हस्बैंड पीछे पीछे वो बैग लेके चल रहे थे, मेरे आयन को भी दे दिया उनके पास और बैग को भी दे दिया, तो थोड़े इरिटेट हो गए थे। उसके बाद इतने सारे मंकीज़ थे, और यहाँ पे हमने प्रसाद लिया 50 रुपीज़ के, 2 देसी घी के लड्डू थे, हस्बैंड को बहुत पसंद है हस्बैंड को वो लड्डू, तो उन्होंने वो खाए। तो अभी नेक्स्ट व्लॉग के लिए कंटिन्यू रहना, मस्त व्लॉग है नेक्स्ट वाला। तो